गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का लेसन नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और लास्ट वीडियो में हमने दर्पण सूत्र और आवर्धन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। वैसे तो पहली वीडियो में मैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बता चुका हूँ कि प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये वायु एक माध्यम है, पानी दूसरा माध्यम है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम थे, वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, जैसे उसका पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है अपवर्तन का। दूसरा नियम साइन ऑफ एंगल आई, मतलब आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन ये हमेशा स्थिर होते हैं, इज इक्वल टू ए स्थिरांक, इनका मान स्थिर होता है, कोई स्थिरांक होएगा हमेशा। साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर बराबर है एक स्थिरांक, और इस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। तो पहली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। देखो, जब प्रकाश की कोई किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है, पानी वायु की तुलना में सघन माध्यम है, सघन मतलब गाढ़ा है, उसका घनत्व अधिक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है। देखो, ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ इस बिंदु पे टकराई, यहाँ पे उसका अपवर्तन होगा। अब टकराने के बाद वो उसको ऐसे जाना था सीधा, लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो गई। ये माध्यम अधिक सघन होने के कारण ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। इसका उल्टा, मान लो प्रकाश की कोई किरण किसी सघन माध्यम से, जैसे ये कांच है, कांच में से प्रकाश की कोई किरण आती है, इस सतह से टकराएगी। ये सतह वो है जो दो माध्यम को अलग करती है, कांच एक माध्यम, वायु दूसरा माध्यम। तो ये प्रकाश की कोई किरण इस बिंदु पर टकराएगी, कांच एक सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ नहीं झुकेगी, वो अभिलंब से दूर जाएगी। देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, इसको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन ये अभिलंब है, ये इससे दूर चली गई। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, इतनी सी बात। अब हम देखते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन का क्या कारण है। देखो, जब भी प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होगा तभी अपवर्तन होगा। जैसे प्रकाश की चाल की बात करें हम, प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है वायु में, जबकि अगर इसकी बात करें कांच में प्रकाश की चाल होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम पानी में बात करें, पानी में जल में, तो इसकी होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जल में, पानी में प्रकाश की चाल है, ये कांच में प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल है। देखो, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल रही है, और इस चाल बदलने से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश की चाल भी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जैसे ये कांच में प्रवेश करती है इसकी गति बदल जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम होने से तभी उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, हमें पता है कि जब भी कोई डायरेक्शन बदलती है, जब भी गति परिवर्तन होगा तो
उसकी स्पीड में परिवर्तन आएगा या गति में परिवर्तन आएगा, या फिर ये कह लो कि गति में परिवर्तन आएगा तो उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अपवर्तन का कारण क्या है? गति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, गति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। लेकिन गति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन क्यों होता है, उसका कारण क्या है? देखो, ये वो सतह है जो दो माध्यम को अलग करती है। नीचे अलग माध्यम है, नीचे कांच है, मान लो ये कांच की स्लैब है, कांच से बनी हुई है, यहां वायु है। जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो एक किरण पुंज के रूप में आती है, बहुत सारी किरणें आती है एक साथ, जैसे ये एक किरण इधर आई तो बहुत सारी किरणें तो ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे तिरछी, हम तिरछी आने वाली किरणों की ही बात कर रहे हैं, जो सीधी आती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी किरणें आती है, जैसे एक किरण होगी, एक ये होगी, एक ये, एक ये, ये। अब देखो, प्रकाश की ये वाली किरण सबसे पहले, जब ये तिरछी आती है तो प्रकाश की ये वाली किरण इस सतह से सबसे पहले टकराएगी, तो सबसे पहले टकराएगी तो इसकी गति में सबसे पहले परिवर्तन होगा, जबकि ये वाली थोड़ी देर में टकराएगी, ये उससे भी देर में, ये उससे देर में, उससे देर में। तो देखो, इसकी गति में सबसे पहले परिवर्तन हो गया और इनकी ये अभी भी उसी स्पीड से चल रही है, इसमें परिवर्तन हो गया, तो इसमें परिवर्तन होने के कारण और इनकी गति, इनमें ही इस किरण पुंज की आपसी किरणों में ही गति में परिवर्तन हो गया, ये बदल चुकी है, ये नहीं बदली, जिसके कारण ये बेंड होंगी, ठीक है। सतह से टकराने के कारण, तिरछी टकराने के कारण प्रकाश की कुछ किरणें, उनकी स्पीड पहले कम हो जाती है और बाकियों की थोड़ी धीरे धीरे चेंज होती है, तो ये ऐसी होएगी, फिर ये ऐसी होएगी, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस तरह से। मतलब प्रकाश की किरण पुंज का जो सिरा सबसे पहले इस माध्यम से टकराएगा उसकी गति में परिवर्तन सबसे पहले हो जाएगा, और जो बाद में आएंगी उनकी गति में बाद में परिवर्तन होता है, और यही कारण है इस लाइट के बैंड होने का, ठीक है। अब आगे मान लो ये तिरछी आती है प्रकाश की किरण, मैं कह रहा हूं कि तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है तो प्रकाश की जो किरणें लेफ्ट साइड में थी वो सबसे पहले टकराई तो उनकी गति में पहले परिवर्तन होगा, जो राइट साइड में आई वो बाद में टकराई उनकी गति में बाद में परिवर्तन। लेकिन मान लो सीधी आ जाए, ऐसे आ जाए सीधी प्रकाश का कोई किरण पुंज बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए, तो क्या इनकी गति में परिवर्तन होगा? इनकी गति में परिवर्तन तो होगा, लेकिन इनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इनमें अपवर्तन नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे किरण पुंज एक ही टाइम पे, सारी की सारी किरणें एक ही टाइम पे टकराएंगी, तो इनमें कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो ये बेंड कैसे करेगी? अंतर तो तब आता, इसकी गति पहले बदल जाती, इसकी बाद में बदलती, तब ये किरण पुंज बेंड करता। लेकिन अब ये सारी की सारी इस तरह से एक साथ टकराई है, तो एक साथ टकराने के कारण अगर जो परिवर्तन आएगा तो एक साथ ही आएगा सभी में, तो डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब इनकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसमें बिल्कुल सीधी प्रवेश कर जाएंगे, इस तरह से इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस सतह से इनका आपतन कोण 0 डिग्री है, तो इनका अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं जो आपकी किताब में है, एक आयताकार कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, आयताकार कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होगा। देखो, पहले पढ़ चुके हम, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, अगर प्रकाश की कोई किरण सरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है। अब वो दोनों ही चीजें हमने एक में ही डालनी है। देखो, ये आयताकार कांच की स्लैब है, आयताकार कांच की स्लैब कैसी होती है, जैसे कांच का एक टुकड़ा है आयताकार, जैसे माचिस की डब्बी होती है ना, तो उस टाइप, उससे थोड़ी बड़ी, लेकिन वो कांच का टुकड़ा है, तो उसमें अपवर्तन कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम। तो ये हमारी आयताकार कांच की स्लैब है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इस पे कोई किरण टकराती है ए ओ, ये किरण है आपतित किरण ए ओ, ओ बिंदु पे टकराएगी, ओ बिंदु पे हमने अभिलंब डाल दिया ये एन एंड एस, ठीक है। तो ये आई, ये क्या होगा,
आपतन कोण आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण हो गया। और इसको जाना था सीधा, लेकिन कांच तो एक सघन माध्यम है, तो बात कर चुके हैं हम प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो ये अभिलंब है, ये इसकी तरफ झुक जाएगी, ये गई, तो ओ बी क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण देखो, ये ओ है और ये बी है, यहां से लेकर ये वाली, ये ओ बी अपवर्तित किरण है, और ये वाला ये अपवर्तन कोण है, मतलब एन डैश ओ और ये डी, इसको डी मान कैसे, सॉरी ये बी, एन डैश ओ और बी, एन डैश ओ और बी, एन डैश ओ बी, ये कोण जो है ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, ठीक है भाई। अब जो अपवर्तित किरण ये वाली, जब ये अगली सतह से टकराएगी, ये वो सतह है जो दो माध्यम को अलग करती है, ये भी वो सतह थी जो दो माध्यम को अलग करती है, जब ये अपवर्तित किरण इस सतह से टकराएगी, तो अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फिर से जाएगी, इसका मतलब है फिर से अपवर्तन होगा। तो जैसे ये इस पे टकराएगी इस बिंदु पे, मतलब बिंदु ओ पे, तो फिर बिंदु ओ पे इसका अपवर्तन फिर से होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये आई इस सतह के लिए ये आपतित किरण है, इस सतह के लिए ये आपतित किरण है, ठीक है। तो जब ये इस सतह से टकराएगी तो इसका अपवर्तन होगा, ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से, ये एन वन है, एन वन और एन वन डैश, ये अभिलंब है इस सतह पे एस आर पे, ये अभिलंब एन एन डैश, ये पी क्यू पे अभिलंब था, तो ये अभिलंब हमने डाला बिंदु बी पे, तो ये प्रकाश की किरण इधर इस बिंदु पे टकराएगी, यहां विरल माध्यम होने के कारण ये अभिलंब से दूर चली जाएगी, तो ये ऐसे चली गई, ठीक है, बी सी के रास्ते चली जाएगी, ठीक। तो ये जो बी सी है, अब ये दोबारा से वायु में प्रवेश करती है, पहले वायु से आई थी, अब दोबारा से वायु में निकल गई है, तो हम इसको निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण, ठीक है। देखो ये जो निकली है ये वाली निर्गत किरण, और जो ये वाली थी आपतित किरण, ये दोनों समानांतर है। ये जो आई थी स्टार्टिंग में, देखो इसको जाना था ऐसे सीधा, ऐसे जाना था, लेकिन ये इसमें से अपवर्तित होके निकली कहां से, यहां से, ये दोनों समानांतर तो हैं, लेकिन ये इन दोनों के बीच में इतना सा गैप आया, देखो इतना सा गैप, इसको जो बोलते हैं, इसको पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन मतलब क्या, इस प्रकाश, इस आयताकार कांच की स्लैब ने प्रकाश की किरण को मोड़ दिया उसके रास्ते से, और कितना मोड़ दिया, इस सी डी के बराबर, देखो सी इतना गैप आ गया ना उसमें, अगर ये सीधी जाती है ऐसे तो ऐसे जाती, लेकिन अब ये इसमें से गुजर के गई तो ये यहां से निकली, जाना था यहां से लेकिन गई यहां से, तो इसके रास्ते में कितना गैप आया, कितने रास्ते का तो गैप आया सी डी के बराबर, तो इस सी डी को, सी डी को ये जो दूरी है सी डी, इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ठीक है। अब देखो ये निकलने वाली निर्गत किरण और ये आपतित किरण दोनों समानांतर है, इसलिए जो ये निर्गत कोण है ई, निर्गत कोण और ये जो कोण पहले स्टार्टिंग में था आपतन कोण आई, आपतन कोण, क्योंकि ये दोनों समानांतर है तो इसलिए आई और ई, आई बराबर है ई, दोनों ही कोण बराबर होंगे, एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। इस प्रकार ये आयताकार कांच की स्लैब प्रकाश का अपवर्तन करती है, और इसमें जो जो चीजें ये आई हैं इनको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं, जैसे ये जो पार्श्व विस्थापन मैंने बताया था, अभी बताया था ना पार्श्व विस्थापन, जहां से उसको जाना था लेकिन वो गई जहां से, उनके बीच की जो ये जो पार्श्व विस्थापन है
ये जो दूरी थी पार्श्व विस्थापन ये निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर करता है नंबर एक पहला आपतन कोण पे। आपतन कोण मतलब कितने एंगल पे किरण टकराती है स्लैब के साथ, मतलब ये कितने एंगल पे टकराए, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, कितने एंगल से टकराती है उस पे निर्भर करेगा। दूसरा स्लैब की मोटाई, स्लैब की मोटाई मतलब वो कांच की स्लैब जो है वो कितनी मोटी है। तीसरा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब वो किस चीज से बनी है, मतलब उसका उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, वर्तनांक का मतलब उसके मोड़ने की क्षमता कितनी है। तो इन चीजों पे निर्भर करता है क्या, पार्श्व विस्थापन। तुम सीधे सीधे ये कह सकते हो कि पार्श्व विस्थापन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली समानुपाती है किनके, इन तीनों चीजों के, पार्श्व विस्थापन इन तीनों चीजों के समानुपाती है। मतलब अगर ये कोण बढ़ जाता है, आपतन कोण बढ़ता है, स्लैब की मोटाई बढ़ती है, अपवर्तनांक बढ़ता है, तो पार्श्व विस्थापन भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो ये जो विस्थापन है ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब कुछ चीजें हैं अपवर्तन के प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के प्रभाव। अपवर्तन के कहां कहां प्रभाव दिखाई देते हैं, देखो कई बार तुम देखते होगे कि जैसे कोई बर्तन में हमने कोई पेंसिल रख दी, ठीक है, ये सतह है, ये पानी है, ठीक है, ये इसमें कोई तिनका रखा है या कोई पेंसिल रखी इस तरह से, तो ये तुम्हें मुड़ी हुई दिखाई देगी। इस बिंदु से ये तुम्हें यहाँ पे इस बिंदु से ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, ऊपर से उठी हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, मान लो ये वस्तु है, इसका ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट को देख रहे हैं सिर्फ, इस पॉइंट से जो किरणें निकलेंगी ये गई, ठीक है, एक ये गई, ये दो किरणें गई। अब तुम्हें पता है ये एक माध्यम है, ये अलग माध्यम है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है, ये इसके ऊपर अभिलंब है तो ये इससे दूर जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ये भी इससे दूर जाएगी, कैसे ये कह लो ऐसे चली जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। अब तुम इधर खड़े हो, तुम्हें ये किरणें तुम्हें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये किरणें तुम्हें कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही होंगी, इनको पीछे बढ़ाओ, तुम इनको पीछे बढ़ाओगे ऐसे तो ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, तुम्हारी आंखों में ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आती हुई दिखाई देंगी, मतलब तुम्हें इस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा, सिर्फ इस बिंदु का, ऐसे ही यहाँ जो बिंदु है, यहाँ जो बिंदु है, यहाँ बिंदु, ऐसे ऐसे करके सभी का प्रतिबिंब तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस वस्तु की आभासी स्थिति तुम्हें यहाँ पे ये दिखाई देगी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर बना प्रतिबिंब, तो इसलिए हमें वस्तु थोड़ी सी ऊपर उठी हुई भी दिखाई देती है, ठीक है, और यही कारण है कि वस्तु हमें मुड़ी हुई भी दिखाई देती है, जैसे पेंसिल है वो अपवर्तन के कारण ही हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी। अब एक इसके बाद तुमने कई बार देखा होगा कि जो हम किसी सिक्के को पानी में डाल देते हैं, ये पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है, खाली है, अभी यहाँ पे कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तुम्हारी आंखें यहाँ पे है, तुम इसको देख लो इधर से, खाली पानी में तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, जैसे ही हम इसमें पानी भर देंगे तो ये तुम्हें दिखाई दे जाएगा। कारण क्या है, कारण क्या है, देखो यहीं से देख रहे हैं हम, पानी भरते ही क्या हुआ, जब हम यहाँ थे और ये खाली थी तो सीधी किरणें ऐसे जा रही थी, ऐसे यहाँ हमारी आंखें, तो ये तो निकल गई ऐसे, आंखों में पहुंची नहीं, ऐसे गई, यहाँ है बच गई है तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, पानी डालने से क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ गई और यहाँ गई तो इस स्तर पे आते ही इसका अपवर्तन होगा, मतलब ये अभिलंब से दूर झुक जाएगी, ये सीधी जाने की बजाय थोड़ी
तिरछी जाएगी, ये प्रकाश की किरण भी थोड़ी तिरछी जाएगी ऐसे, ये भी तिरछी जाएगी। अब तुम इनको पीछे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये यहाँ पर तिरछी करेंगे, यहाँ सिक्का वही है लेकिन इसकी आभासी स्थिति तुम्हें यहाँ आंखों से यहाँ दिखाई देगी, ठीक है, उसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो सिक्का आभासी प्रतिबिंब बनने के कारण दिखाई देता है, और वो आभासी प्रतिबिंब किसके कारण बनता है, अपवर्तन के कारण, ठीक है भाई। तो ये कुछ प्रभाव थे, एक दो प्रभाव और होगा इसमें, जैसे हम अगर पानी में तालाब में कहीं पे कोई स्टिक मतलब कोई छड़ी डाल दे, कोई डंडी उसमें डाल दे, तो वो भी तुम्हें मुड़ी हुई दिखाई देती है, उसका कारण भी यही होता है, ठीक है। तो एक और है इसमें, जो स्विमिंग पूल होता है, जैसे स्विमिंग पूल में हम जाते हैं तो उसकी जो गहराई है हमें, वो गहराई थोड़ी सी जितनी गहराई होती है उससे कम दिखाई देती है, बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं तो उसका जो तल है नीचे का वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ, देखो जब ये खाली है तो प्रकाश किरणें इससे टकरा कर सीधी आंखों में जाएगी, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, लेकिन जब इसमें पानी भर दिया, ये पानी भर दिया और अब प्रकाश की किरण इस बिंदु से जब ये चली, ये गई, ये भी गई, ठीक है, अब क्या होएगा, अब इनका इस सतह से टकराते, क्योंकि दो मीडियम हो गई है तो अपवर्तन हो जाएगा, अब ये अभिलंब से दूर जाएगी, ये अभिलंब है तो ये गई, ये भी अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है, आंखों में पड़ी, अब यहां पे ये, अब पीछे बढ़ाओगे तो ये बिंदु पे, तो यहां पे जो ये बिंदु था इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना, देखो कितना ऊपर है इससे, इसलिए जब हम बाहर से देखते हैं तो जो स्विमिंग पूल की गहराई है वो हमें कम दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण जो नीचे की सतह होती है उसका आभासी प्रतिबिंब थोड़ा ऊपर बन जाता है, इसलिए हमें उसकी गहराई कम दिखाई देती है। तो ये तो था भाई अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के प्रभाव, आयताकार स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है, ये सब खुद से प्रैक्टिस करने से आएंगे, ऐसे नहीं है कि वीडियो देख लिया और समझ में आ जाएगी, किताबें उठाओ, किताब को पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करो या कॉपी में लिखो, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, थैंक यू।